प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि विधायक नयन पाल रावत ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक का स्वागत किया है। आपको बता दें कि नयन पाल रावत प्रथला से निर्दलीय विधायक है और उन्होंने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक का स्वागत किया है। उनका कहना है कि संपत्ति प्रदेश की जनता की है और अगर आंदोलन के दौरान संपत्ति का नुकसान होता है तो उसका आर्थिक बोझ जनता पर ही पड़ता है। इसके साथ ही नयन पाल रावत ने नेताओं विधायकों के बहिष्कार पर लाए गए निंदा प्रस्ताव का भी स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि जन प्रतिनिधियों का बहिष्कार करना अलोकतांत्रिक है। बता दें कि नयन पाल रावत ने किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आंदोलन से प्रदेश में अभी तक 1100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि विधायक नयन पाल रावत ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक का स्वागत किया है। बता दें कि नयन पाल रावत प्रथला से निर्दलीय विधायक है जिन्होंने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक का स्वागत किया है और उनका कहना है कि संपत्ति प्रदेश की जनता की है और यदि आंदोलन के दौरान संपत्ति का नुकसान होता है तो उसका आर्थिक बोझ जनता पर ही पड़ता है। इसके साथ ही नयन पाल रावत ने नेताओं विधायकों के बहिष्कार पर लाए गए निंदा प्रस्ताव का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि जन प्रतिनिधियों का बहिष्कार करना अलोकतांत्रिक है। बता दें कि नयन पाल रावत ने किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आंदोलन से प्रदेश में 1100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है प्रथला से निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत का। विधानसभा में जिस तरह से संपत्ति क्षतिपूर्ति आंदोलन के दौरान जो होगी उसको लेकर विधेयक इंट्रोड्यूस किया गया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, संपत्ति जो ये है इस प्रदेश की जनता की है, इस प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों की है और वो अगर कहीं हम नुकसान करते हैं आंदोलन के द्वारा या और प्रदर्शन के द्वारा कुछ संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आप समझ के चलिए कि वो प्रदेश की जनता के ऊपर ही बोझ किसी न किसी रूप में पड़ना है। अभी इस किसान आंदोलन के चलते लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान वैसे ही हो चुका है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो नुकसान है। और मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर तोड़फोड़ करता है, प्रदर्शन करता है, देखिए प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वो एक दायरे में हो। ये जब तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें होंगी तो वो प्रदेश की जनता पर ही कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा, चाहे टैक्स के रूप में चाहे अन्य रूप में। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए ये जो कानून और प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा इस सदन में लाया गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उनको इस प्रदेश की जनता की, प्रदेश के पैसे की चिंता है। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की चिंता नहीं की, क्योंकि ये जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है तो निश्चित तौर पर जनता का भला कैसे हो, जनता की भलाई किस में है, वो सरकार को सोचना है। जिस तरह से एक निंदा प्रस्ताव भी जो है सदन में लाया गया जिसमें खासतौर पर जो जजपा भाजपा के जो हैं नेता उनका बहिष्कार को लेकर जो चल रही है प्रदेश में, तो उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने उस पर वॉकआउट भी किया है। इसके लिए मैं विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लाए हुए इस प्रस्ताव पर जब चर्चा के दौरान कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि किसी प्रकार की ना तो हम उसमें शामिल हैं और ना ही लोकतंत्र के की हत्या के लिए हम यहाँ बैठे हैं, नहीं लोकतंत्र किसी तरह से दबना चाहिए, तो ये गलत है, निंदनीय है कि किसी भी नुमाइंदे को इस तरह, क्योंकि जो कहीं ना कहीं पार्टी के विपक्ष की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन को उकसाने का काम कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को उकसाया ना जाए, समझाया जाए। अगर कुछ चीज़ गलत है, कहीं अमेंडमेंट की जरूरत है तो सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर जब 1.5 साल के लिए रोक लगा दी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं वो लोकतंत्र के लिए अपने आप में खतरा है, तो उसका निंदा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री सदन में लेकर आए जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। आपके हल्के में किसानों द्वारा मिट्टी जो है उसको धोने को लेकर आपने पटल पर एक सवाल रखा क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग वाले उसमें शिकार हो जाते थे। देखिए, ये पूरे हरियाणा का मसला है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का, किसानों का मसला है कि कई बार अपने निजी कार्य हेतु ईंट भट्टों पर या कोई छोटा मोटा व्यापार काम करने में जो ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी या कोई छोटा मोटा रेती का वो काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसे माइनिंग से बाहर रखना चाहिए। और किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो अपना कोई मजदूर है, मजदूरी करता है तो उस पर इस तरह की, क्योंकि 4-4 लाख रुपये एक एक बार में जुर्माना उन पर लगता है और मैंने तो उनकी संख्या भी पूछी थी भाई कितनी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली बंद हुए हैं या जब्त हुए हैं, तो उनकी संख्या बताई जाए।
ताकि इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश के मजदूरों को इस माइनिंग जो मामला है, माइनिंग की जो तुम्हारा दायरा है उससे दूर रखा जाए ताकि वो अपने दो पैसे कमा सकें।